कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। ऐसे में अपनी ड्यूटी निभा रहे सभी योद्धाओं का गौरव भी किया जा रहा है। पिंपरी चिंचोर शहर के ऐसे ही एक योद्धा हैं दिनकर बंदुके। पिंपरी चिंचोर महापालिका में आरोग्य विभाग में कार्य करने वाले दिनकर ने अपने काम के प्रति ईमानदारी तो दिखाई, साथ ही रिटायर होने के बाद भी अपनी ड्यूटी शुरू रखी। पिछले 3 से 4 महीने से दिन रात दिनकर बंदुके एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कई मरीजों को वक्त रहते अस्पताल में पहुंचाया और उनकी जान बचाई है। 30 जून को दिनकर बंदुके रिटायर हो गए थे। अगर वो चाहते तो घर पर बैठकर आराम कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था। लोगों की तकलीफ उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी, इसलिए ऐसे हालातों में भी उन्होंने अपना काम शुरू रखा और लोगों की सेवा की। साथ ही कई शव ऐसे थे जिन्हें ले जाने से मृतक के परिजन भी इनकार कर देते थे। ऐसे में दिनकर बंदुके ही आगे आए और उन शवों का अंतिम संस्कार किया। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने दिन रात लोगों की सेवा देकर अपना काम ईमानदारी से निभाया और आगे भी निभा रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धा का गौरव होना ही चाहिए। महापालिका के ऐसे कर्मचारी का आदर्श सभी कर्मचारियों को लेना चाहिए। गेल्या 30 वर्ष 5 महीने 27 दिवस टोटल सर्विस झाली। 30 जून रोजी मी रिटायर झालो आणि जवळजवळ 20-22 वर्ष मी आरोग्य विभागात आणि वैद्यकीय विभागात काम केलेलं आहे। रुग्णांची नेआण करणे, त्यांना सहकार्य करणे हे आपलं काम होतं आणि ते मी केलं। मला जे शक्य झालं तेवढं मी व्यवस्थित केलेलं आहे। त्यांना मार्गदर्शन करणं हे मी माझं काम समजतो। आणि ज्यावेळेस कोविडचा प्रादुर्भाव आला त्यावेळेस कोणीही जायला तयार नव्हतं गाडीवर किंवा त्या पेशंटला आणणे नेणे, त्याच्यामुळं त्यावेळेस एक धाडस करून मी ते काम केलेलं आहे। जवळजवळ 4 महिने शेवटचा काळ माझा थोडा थरारमय होता, पण मी अजिबात मागं पुढं पाहिलं नाही आणि मी ते काम केलं। मला त्याचा आनंद आहे। ब्युरो रिपोर्ट, BSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।